तो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू द फिट गाइस। सो गाइस, हम लोग आज जो है लाइव ट्रेड करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9:13 हुआ है अभी, और अभी जो है मार्केट ओपन होने ही वाला है 2-3 मिनट के अंदर। और मार्केट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है फ्लैट अभी ओपनिंग देखने को अभी मिल रहा है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, पूरा साइकोलॉजी आप लोग के सामने होगा कि कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था और एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था कि भाई लाइव ट्रेड करो। ओके, तो लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोग के सामने ही होगा, जो भी होगा आप लोग के सामने होगा। पूरा साइकोलॉजी आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि लाइव ट्रेड करते टाइम एक ट्रेडर का साइकोलॉजी माइंडसेट क्या होना चाहिए, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर सीखने मिलेगा। तो आप जो वीडियो को अच्छे से एंड तक वॉच करो, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। ओके, तो चलो मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मार्केट जो है ओपन हो चुका है, एंड फ्लैट ओपनिंग देख के अभी जो अगर आप देखोगे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी की बात अगर करें हम लोग, तो निफ्टी के अंदर भी आप लोग को सेम चीजें सेम श्रेणी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको कैसे ये करता है कैसे नहीं करता है, एंड जब ट्रेड प्लेस करेंगे आप लोगों के साथ उस टाइम मिलेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी के टाइम बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो है बायर एक्टिवेट होंगे, और मार्केट को अगर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देखेंगे 5 मिनट का टाइम पे अगर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस होगा कि मार्केट के अंदर के ऊपर जो भी एसएल है, ऊपर की तरफ कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है, जो भी एसएल है डाउन साइड ही है। हालांकि कल का चार्ट के अंदर कोई भी एसएल ऐसा नहीं है, फिर भी हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हो रहा है। ओके, तो ऐसे कंडीशन के अंदर मेरा जो प्लान होगा वो थोड़ा सा सेलिंग का ही रहेगा, और निफ्टी के अंदर भी सेम साइकोलॉजी हो रहा है, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, और अभी के लिए तो मार्केट के अंदर बायर एक्टिवेट हो रहा है, और जब मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर डे हाई का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, इसका इसके ऊपर एक कैंडल अगर क्लोजिंग दे देगा तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और निफ्टी के अंदर भी जो है अभी तक जो है क्लोजिंग नहीं दिया, चलो देखते हैं क्लोजिंग तो दे देगा। अगर ऐसे ही मार्केट चलता रहेगा और यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है अगर इसका ब्रेकआउट कर देगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर हम लोग देखोगे अगर यहाँ से अगर हम लोग बाइंग करें, ओके, तो वो थोड़ा सा रिस्की पोजिशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये ज्यादा ऊपर भी नहीं है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने ऊपर का है, लगभग लगभग 70 पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है सेलर एक्टिवेट होंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डे हाई का ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ से ही मार्केट ने नीचे गिरना चालू कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जो मुश्किल है, यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, इसके अंदर जब तक मार्केट रहेगा मार्केट को बहुत परेशानी होगा। मार्केट जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, निफ्टी को वॉच करते हैं, निफ्टी अभी डोजी कैंडल बना रहा है, चलो देखते हैं कुछ प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन बनते देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे जो एक बड़े बड़े कैंडल के साथ जो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो बड़े बड़े कैंडल के साथ यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस था यानी कि ये जो सपोर्ट था इसका जो है ब्रेक डाउन कर दिया। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी जो सेलर एक्टिवेट होंगे, तो अभी मुझे ट्रेड करने में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस या फिर जो एक कॉन्फिडेंट जो होता है वो फील नहीं हो रहा है। तो अभी जो है मैं वेट करूंगा, मार्केट को वॉच करूंगा, अगर कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, पर जबरदस्ती कोई भी ट्रेड लेके उसको लॉस में या फिर प्रॉफिट रिकवर नहीं करूंगा। चलो देखते हैं कुछ जो है प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन बनने देते हैं, एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहो, एंड निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी अभी अभी भी सपोर्ट पे है, चलो वॉच करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस करोगे आप तो आपको नोटिस में आएगा बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने ये जो क्लोजिंग प्राइस है यानी कि ये जो सपोर्ट है इसका जो है ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया। पर निफ्टी का बात थोड़ा सा अलग है, निफ्टी अभी भी इससे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि यहाँ पे निफ्टी में अगर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, निफ्टी में अगर हम लोग बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस सपोर्ट के अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो है ब्रेक डाउन कर दिया, तो वैसा कंडीशन के अंदर निफ्टी के अंदर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसा लोग सोच के सेलिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप चाहो तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लोग बाइंग करके आप लोग इस पॉइंट का जो है आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक होगा। ओके, 31 पॉइंट का आपका टारगेट हो सकता है, पर मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, दैट रीजन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, कुछ मैं प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बनने देता हूँ एंड उसके बाद ही जो है ट्रेड प्लेस करेंगे।
तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है मैंने एकदम सही प्रेडिक्ट किया था। मैंने बोला था कि निफ्टी के अंदर आप लोग जो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग इस कैंडल में जो है बाइंग कर सकते हो, एंड टारगेट जो है आप लोग मिनिमम यहाँ तक रख सकते हो, एंड 30 पॉइंट का जो आप लोग टारगेट अचीव कर सकते थे, एंड यहाँ से भी आप लोग 1500 के आसपास जो है प्रॉफिट कर सकते थे। ओके, और आप लोग देख सकते हो मार्केट ने ठीक वैसा ही किया, बट यहाँ पे जो है मैंने ट्रेड नहीं किया। मतलब चलो छोड़ दो, वैसे तो मैंने प्रेडिक्शन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप ट्रेड करो या फिर नहीं करो वो अलग बात है, प्रेडिक्शन करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, वो आपको प्रेडिक्ट करना सबसे पहले आना चाहिए। ओके, वैसे तो हम लोग ट्रेड बाद में भी ले सकते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टारगेट हम लोगों का हिट हो चुका है, तो अभी देखते हैं कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बनने देता है या फिर ऐसे ही। आज जो है मैं मार्केट करना ज्यादा टाइम नहीं रखूंगा, 10:30 बजे तक मैं मार्केट में रहूंगा, उसके बाद में नहीं रहूंगा। ओके, तब तक देखते हैं, कुछ अगर ट्रेड मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ट्रेड कर लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, और बाकी देख सकते हो ये वाला ट्रेड जो है निफ्टी के अंदर काफी शानदार मूव था, और आप लोग देख सकते हो मार्केट अभी भी ऊपर भी जा रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कुछ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस बैंक निफ्टी जो है काफी ज्यादा वोलेटाइल नजर में आ रहा है, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे। ओके, ऐसे ही अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, और निफ्टी काफी अच्छा खासा जो शानदार मूव दे चुका है, जो मैंने आप लोग को पहले प्रेडिक्ट बता दिया था। ओके, और ऐसे ही हम लोग करते हैं, पर यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिस्की था, दैट सीजन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, बाकी अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग किया होगा, अगर आपने किया तो आपने एकदम सही किया। ओके, मैं अभी कुछ दिन मेरा तबीयत खराब है और मैं मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा, सो दैट रीजन मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता था। ओके, तो यहाँ पे अब अगर मैं अभी क्या करूंगा, मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मुझे नजर में आ रहा है, मेरा साइड अभी भी न्यूट्रल है कि मैं बाइंग साइड भी जा सकता हूँ, सेलिंग साइड भी जा सकता हूँ, ऐसा कोई मतलब व्यू नहीं है। अभी अभी देखते हैं मार्केट कैसा फॉर्मेशन बनाता है। मैं 10 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे तक मार्केट में रहूंगा, उसके अंदर अगर कोई भी ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज में मार्केट को छोड़ दूंगा आज के लिए। ओके, और ऐसे ही कुछ दिन रहूंगा, उसके बाद जो है कंसिस्टेंटली रहूंगा। ओके, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी ने एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अच्छा सा बुकिश डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और इसका ब्रेकआउट भी कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर मार्केट के अंदर कौन आएगा, यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट होंगे। पर मार्केट अगर मार्केट यहाँ से मान लो, मार्केट एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मान लो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ तक चला भी गया, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे डब्लू पैटर्न को देख के कुछ लोग क्या करेगा, बाय करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के सेल करेंगे। पर यहाँ पे मैं नहीं घुसूंगा, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मतलब वोलेटाइल हो जाएगा, सो दैट रीजन मैंने इस जोन के अंदर जब तक मार्केट रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट ऐसे ही इस क्लोजिंग, ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका ब्रेकआउट कर देता है तो मैं क्या करूंगा, एक सेलिंग साइड का पोजिशन बना सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसका रिट्रेसमेंट के, इसका जो रिट्रेसमेंट है इसका रिट्रेसमेंट के साथ जाना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे एक बाइंग पोजिशन कराना चाहता हूँ। ओके, तो अभी जो है मार्केट के अंदर मेरा पहले से ही व्यू था बैंक निफ्टी के अंदर, मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा, इस जोन के अंदर जब तक रहेगा, तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे दो पार्टी एक्टिवेट होंगी, बायर सेलर दोनों ही यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, कोई भी रिटेलर एक तरफ नहीं जाएंगे, बायर सेलर दोनों ही यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। सो दैट रीजन मैंने यहाँ पे जो है कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, और निफ्टी के अंदर आज काफी अच्छा खासा जो ट्रेड हो गया हमारा, और बैंक निफ्टी के अंदर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइस बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो है एकदम साइकोलॉजिकल पॉइंट से यहाँ पे जो है नीचे गिरना चालू किया। तो ऐसे किसके अंदर मैं अभी अभी एक पोजिशन क्रिएट किया, आप लोग को दिखा दूंगा। ओके, चलो बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने पोजिशन क्यों क्यों बनाया। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया। सो जब डब्लू पैटर्न क्रिएट किया तब यहाँ पे कौन एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और साइकोलॉजिकल लेवल पे कौन एक्टिवेट हुआ, सेलर एक्टिवेट हुआ। तो यहाँ पे जब सेलर एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे जिसने यहाँ पे बाय किया उसका तो एसएल चला गया। ओके, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे जो है जिसका एसएल अभी के लिए अगर बताऊं तो नीचे कोई भी एसएल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक पॉइंट को टच कर चुका है, यानी कि ये जो 0.6 का 0.5 का जो लेवल है इसको मार्केट ने टच कर चुका है, यानी कि यहाँ पे अभी के लिए कोई भी जो है कोई एसएल नहीं है, सारे एसएल ऊपर है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे जो है मैंने अभी अभी एक बाइंग पोजिशन क्रिएट किया, 41,200 का मैंने सी को अभी अभी बाय किया इस जोन के अंदर, ये जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे जो है मैंने जो है अभी अभी एक पोजिशन क्रिएट किया,
चलो देखते हैं ये वाला पोजिशन मेरा सही जाता है या फिर गलत जाता है। अगर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे और अगर गलत जाता है तो आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, और टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट मैं रखूंगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और निफ्टी अगर इस लेवल को टच कर जाएगा तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी बस वेट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था मार्केट ठीक वैसा ही ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। पर यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट मतलब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है पर मुझे मेरा जो पीएनएल है वो बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है। पीएनएल बहुत मतलब स्लोली बढ़ रहा है, डेल्टा बहुत कम था या फिर कुछ ज्यादा था मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं टारगेट या फिर एसएल दोनों में से कोई हीट होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो मेरा एसएल हीट हो चुका है अभी अभी, आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो दैट इज मेरा एसएल अभी हीट हो चुका है। पर कोई नहीं, हम लोग अभी 10 बज चुका है, अभी भी मैं अभी भी मार्केट में हूँगा। अभी 10:30 का तक मैं मार्केट के अंदर रहूंगा। अगर इसके अंदर कोई भी ट्रेड मुझे मिल जाता है तो मैं जो है ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज जो है मैं आज कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, और वैसे भी हम लोग को एक एक दिन का प्रॉफिट या फिर लॉस से हम लोग को जज नहीं करना चाहता है। हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, हम लोग को पूरी मंथली रिटर्न चाहिए। मंथली हम लोग को मंथली बेसिस में हम लोग को जो है अपना पीएनएल जो है प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए। ओके, ऐसे हम लोगों को काम करना होता है। ओके, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं एंड अगर कोई भी ट्रेड मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, अदरवाइज जो है यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ओके गाइस, ये था आज का डे। ओके, और आज मैंने कोई भी ट्रेड आज प्लेस नहीं किया, हाँ प्लेस किया था जिसमें मेरे को लॉस हुआ। ओके, आप लोगों को दिखा दिया सब कुछ, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और पूरा जो है मार्केट वोलेटाइल मार्केट था, दैट रीजन मेरा जो है एसएल हिट हो गया। बाकी निफ्टी के अंदर मैंने जो यहाँ पे कहीं यहाँ पे जो है मैंने ये वाला प्रेडिक्ट किया था, ये वाला जो ट्रेड था ये वाला प्रॉफिट में गया है। आप लोग देख सकते हो ये वाला ट्रेड, ये मैंने काफी अच्छे तरीके से जो प्रेडिक्ट किया था, ये वाला जो मूव आया था। ओके, और दो ट्रेड हम लोग का दिन का हो चुका है, तो आज हम लोग यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। और अभी 10 बज चुका है, मैं मार्केट में नहीं रहूंगा, तो अभी जो है मैं वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं आप लोग के साथ कल एकदम लाइव ट्रेड के अंदर। ओके, थैंक यू।